हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देख सकते हैं आप ये जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो प्रोजेक्ट है डीसी कन्वर्टर का, ये मैंने इसमें 50 mm की कोर यूज़ किया है और इसमें जो मॉस्फेट है दोस्तों वो 8 MOSFET लगे इसमें, 4 एक तरफ और 4 एक तरफ, और डायोड यहाँ पर डायोड यूज किए हैं, 8 डायोड यूज किए हैं UEF 5408, और मॉस्फेट है इस तरफ 4 और इस तरफ 4, और ये हमारा ऑक्सीलेशन सेक्शन है जिसमें IC का यूज किया है SG3525 का, और ये हमारे यहाँ पर कैपेसिटर लगेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर एक से ज़्यादा भी कैपेसिटर लगा सकते हैं 12 वोल्ट पर। और ये हमारा अगला पावर सेक्शन होता है जो हमारा 1K डबल सप्लाई में बन के आता है, वहाँ पर भी मैंने एक्स्ट्रा कैपेसिटर का यूज किया है। आप चाहे तो 2 कैपेसिटर लगा सकते हैं या उससे ज़्यादा भी कैपेसिटर लगा सकते हैं। वीडियो लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसमें एक ख़ास बात यह है दोस्तों कि जो मॉस्फेट जिसमें यूज़ किए लोड देने पर बिना किसी हीटिंग के कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 हीटिंग प्रॉब्लम है इसकी मॉस्फेट पे। देख सकते हैं यहाँ पर हीट सिंक मैंने अभी तक लगाए नहीं मॉस्फेट्स पे, इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है दोस्तों। और अगर इसमें आप वोल्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जो हमारे बायसिंग वोल्ट है IC से होकर जो आउटपुट आता है हमारा मॉस्फेट की तरफ, जो उस पर 100 ओम के रजिस्टर लगे दोस्तों, वो आप उसे हटा देंगे तो आपका जो पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और वोल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप चाहे तो उसे रहने दे सकते हैं या चाहे तो फिर आप उस रजिस्टर को हटा सकते हैं। तो आप इसमें है दोस्तों क्या है कि एक ख़ास बात है कि ड्राइवर बोर्ड तो आपका सेपरेट है, लेकिन आप इसमें TL494 IC का जो बाय हमारा PWM मॉड्यूल है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर, इसकी जगह SG3525 की जगह पर।